प्रयागराज की जनता हमेशा इतिहास बनाने का काम करती है, इतिहास बनाया है। प्रयागराज सीट पर इस बार मुकाबला दो राजनीतिक बारिशों के बीच है। एक तरफ जहां कांग्रेस प्रत्याशी उज्ज्वल रमण सिंह है, जो पूर्व सांसद तृप्ति रमण सिंह के बेटे हैं, तो दूसरी तरफ नीरज त्रिपाठी हैं। नीरज त्रिपाठी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं। रेवती रमण सिंह कहते हैं, प्रयागराज की जनता हमेशा इतिहास बनाने का काम करती है, इतिहास बनाया है और इस बार भी मुझे उम्मीद है कि इतिहास बनाएगी। और जिस तरीके से प्रयागराज की उपेक्षा, उसका अस्तित्व और गरिमा को गिराने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया है, इसका जवाब प्रयागराज की जनता देगी। मेरी आशा और विश्वास है कि लोग मतदान करेंगे, निकलेंगे और परिवर्तन के लिए निकलेंगे। अब पूरे देश में एक परिवर्तन की हवा है, बयार है। लोग आंकड़ों में कुछ भी कहें, लेकिन आज जनता चाहती है। जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, उससे लोग त्रस्त हैं, उससे आज असहाय महसूस करते हैं, बेसहारा महसूस करते हैं। इसी का जवाब आने वाले दिनों में जो है जनता देने जा रही है। और उज्ज्वल जी, क्योंकि आप कक्षा से भी रहे हैं, जमुना बार में कई इंडस्ट्रीज और कई आपने देखे कि प्लांट्स बंद हो गए हैं, तमाम तरीके की दिक्कतें हैं। इस बार चुनाव में आपने काफ़ी दौरे वहाँ पर किए हैं, पिछले दिनों से आप काफ़ी वहाँ पर लगे हुए हैं, क्या अलग आपको देखने को मिल रहा है वहाँ पर, किस तरीके की कमी रहेगी? देखिए, जब से मैं सक्रिय राजनीति में आया हूँ, जमुना पार मेरी कर्मभूमि है, प्रयागराज मेरी जन्मभूमि है, और कोई दिन ऐसा नहीं जब मैं प्रयागराज में रहूं और जमुना पार न जाऊं, कोई दिन ऐसा नहीं। तो लोग मेरे काम को भी जानते हैं, मेरे व्यक्तित्व को भी पहचानते हैं, और जो काम हमने कराए हैं, जी की सरकार में 3-3 पावर प्लांट हम लोगों ने लगवाया था, अखिलेश यादव जी की सरकार में एक यूनिवर्सिटी अखिलेश यादव जी ने राज्य विश्वविद्यालय दिया, फिर अखिलेश यादव जी ने सरस्वती हाईटेक सिटी दिया, तो निस्संदेह हम लोगों ने काम किया है और काम के बल पर जनता के बीच जाकर उनका आशीर्वाद मांग रहे हैं। ठीक।